दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के आर एग्जाम में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है कि JSSC उत्पाद सिपाही की जो दौड़ की प्रक्रिया है वो कुछ ही दिनों के अंदर में शुरू होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको दौड़ से पहले की पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। जैसे कि यदि दौड़ से पहले आप इन जाँच में फेल हो गए तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है दौड़ से पहले आपको क्या क्या जाँच किया जाएगा और एडमिट कार्ड आपको कब दिया जाएगा और दौड़ जो है वो आपका कहाँ कहाँ पर होगा, तो ये सभी की जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आप लोग पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और इससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन की घंटी है उसको भी दबा लीजिए, ताकि झारखंड में जितने भी नई नई बहालियां आए सभी की हर पल की जानकारियां आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो दौड़ है वो दौड़ होने से पहले आपका क्या क्या जांच किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे ही सबसे पहले आप अपने सेंटर में पहुंचेंगे तो वहां सबसे पहले आपको भर्ती कैंप के अंदर में घुसाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद वहां सबसे पहले आपको आपका हाइट की माप किया जाएगा और हाइट आपको इस तरह मापा जाएगा कि आपका जो बाल है वो बाल आपको दबा दिया जाएगा, ठीक है। और बाल दबाकर आपका हाइट की माप किया जाएगा और उसमें यदि आपका 0.5 सेंटीमीटर भी यदि कमी दिखाई देता है तो वहां से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, मतलब आपका बाल के ऊपर से आपका हाइट नहीं देखा जाता है, आपका जो बाल है उसको दबा दिया जाएगा, उसके बाद आपका हाइट की माप किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका हाइट देखा जाएगा, उसमें आपका थोड़ा सा भी कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो है सीने की जाँच किया जाएगा। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अनारक्षित वर्ग के लिए जो बोला गया है ऊंचाई वो 160 सेंटीमीटर और उसका सीना बोला गया है 81 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 155 बोला गया है और सीना उनका बोला गया 79। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 155 बोला गया है और सीना उनका 79 बोला गया है, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 और 81 बोला गया है और पिछड़ा वर्ग के लिए 160 और 81, ठीक है। उसके बाद महिलाओं के लिए जो है 148 बोला गया ऊंचाई और उनकी सीने की माप नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, इसमें आपका थोड़ा सा भी कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपका जो सीटों की संख्या है मात्र जो है वो आपका 500 मतलब 500 के लगभग में आपका जो है सीट है, ठीक है। और यहाँ पर भरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, मतलब 4 लाख के पार आपका भरने वालों की संख्या, तो इसमें आपका थोड़ा थोड़ा पॉइंट पर जो है वो लोग गौड़ करेगा, ठीक है। तो ये सबको आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट को। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो कब से जारी किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आप सभी को मालूम है कि JSSC ने कुछ दिन पहले अपना एग्जाम कैलेंडर जारी किया है और उसके तहत उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह से शुरू किया जाएगा, मतलब इसी महीने के अंतिम सप्ताह से आपका दौड़ की प्रक्रिया जो है वो आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आज हो गया आपका 13 अप्रैल, ठीक है, आज आपका 13 अप्रैल हो गया और इस महीने का मात्र आपका लगभग 17 दिन बचा हुआ, ठीक है। और जब भी JSSC ने अपना एडमिट कार्ड जारी करता है तो वो जो है लगभग परीक्षा से आपका 5 से 10 दिन के पहले 5 से 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाता है प्रत्येक बार, ठीक है। तो इस बार भी आपको कुछ दिनों के अंदर में, मतलब लगभग 1 सप्ताह के अंदर में आपको आपका एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले जो है JSSC ने अपना जो एग्जाम कैलेंडर है उसमें 2 बार चेंज कर चुका है। इससे पहले भी 2 बार कैलेंडर जारी किया था, लेकिन उनमें जो डेट है वो कुछ और बताया गया था, वो डेट में आपका संशोधित करके दोबारा से डेट जारी किया गया, ठीक है। और यदि फिर यदि ये डेट आपका चेंज कर देता तो फिर ये आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है जो अभी एग्जाम कैलेंडर जो जारी किया है हाल ही में उसके तहत आपका जो है एडमिट कार्ड अगले 1 सप्ताह के अंदर में आपका जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसकी जानकारी मैं आपको सबसे पहले दे दूंगा, आपको कहां से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। यदि चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपका जो दौड़ है वो आपका कहाँ कहाँ पर होगा, ठीक है। तो देखिए झारखंड में जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, जैसे कि रांची हो गया, जमशेदपुर हो गया, धनबाद हो गया इत्यादि जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, उन सभी में भर्ती कैंप लगाया गया है और वहीं पर आपका दौड़ की जो पूरी प्रक्रिया है वो आपका पूरा किया जाता है, ठीक है। तो पिछले बार जब GD का एग्जाम हुआ था तो झारखंड में बहुत सारे स्टूडेंट को धनबाद कैंप में बुलाया गया था, ठीक है। तो उसी तरह प्रत्येक बड़े बड़े शहर में आपका भर्ती कैंप लगाया गया है, तो वहीं पर आपका जो है दौड़ की प्रक्रिया पूरा किया जाएगा। वो आपका एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा कि आपका कहां पर आपको आना है, वो आपको इतना जान लेना कि आपको जो नजदीक सेंटर है वहीं पर आपको बुलाया जाएगा, ठीक है, और वहां पर आपका दौड़ जो है वो आपका पूरा किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी भर्तियों की हर पल की जानकारियां आपको मिलते रहे।